बारिश की शुरू होते ही गंगा नदी के इस टूटे पुल की सड़क को देख लीजिए, क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्या सरकार की मक्कारी की इसमें दुर्गंध आ रही है, या सर चुके सरकारी तंत्र की बज बजाती गंदगी आपको दिख रही होगी। क्या सोचा ये बिहार के किसी सुदूर इलाके का पुल है जो फिर टूट गया? जी नहीं, ये पुल है महान रामराज के छत्र वाले उत्तर प्रदेश के मेरठ बिजनौर को जोड़ने वाली सड़क का, जो मेरठ के हस्तिनापुर और बिजनौर के चांदपुर को आपस में जोड़ता है। बताया गया है कि बीती रात पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद मौसम ने पहली करवट क्या ली, पुल की सड़क धंसते हुए पानी में बह गई। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि पिछले साल पुल पर बनी सड़क धंस गई, जिसको स्थायी तौर पर मिट्टी डलवाकर चालू कर लिया गया था। लेकिन इस बार फिर बारिश शुरू होते ही पुल के रोड का हिस्सा गंगा में बह गया। फिलहाल इस सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से रुक गया है और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रोड को जल्दी ही ठीक करा दिया जाएगा, पुल को कोई क्षति नहीं पहुंची है। वहीं SDM मवाना अखिलेश यादव का कहना है कि सड़क धंसने से आवागमन रुक गया है, जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था में नावें चलाई जा रही हैं और लोगों को आने जाने की व्यवस्था की जा रही है। SDM ने बताया कि ज्यादा पानी आने से पुल की मिट्टी बह गई और ढह गई, जिसकी फाइल शासन को भेजी गई है, शासन से पास होने के बाद ही इस पर काम किया जाएगा। वहीं इस मामले पर जब मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले साल जो पुल में टूट हुई थी उसमें ऑलरेडी एस्टिमेट किया हुआ था, इसके अतिरिक्त PWD द्वारा रिवाइज एस्टिमेट भेजा गया था, अब इस मामले में जांच की जा रही है। बिजनौर और जो हस्तिनापुर का जोड़ता है वहाँ पे एक पुल था जिसका विगत वर्ष में अप्रोच रोच करने की वजह से वहाँ पे आवागमन बंद हुआ था। इसमें जो ऑलरेडी एस्टिमेट दिया हुआ था उसके अतिरिक्त PWD द्वारा रिवाइज्ड एस्टिमेट भेजा गया था जो पेंडिंग है, जिसमें बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य और जो भी उसका सेफ्टी अप्रिन बाकी चीज़ें हैं वो बनना है, पर इसमें ऑलरेडी परियोजना में विलंब हुआ था, जिसकी एक सतर्कता जांच चल रही है और विजिलेंस जांच चलने की वजह से अभी तक उसके रिवाइज एस्टिमेट पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो अप्रोच रोड के लिए सुरक्षा का कार्य वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से अभी फिर इस बार बारिश में वो अप्रोच रोड कटी है, तो हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी पत्राचार किया है विभाग से और रिक्वेस्ट भी की है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका पैसा सैंक्शन करके इसकी अप्रोच रोड पे जो भी इसका प्रोटेक्शन वर्क है वो करवाएं, अन्यथा की दशा में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो ये मैटर ऊपर चल रहा है, होपफुली जल्दी से जल्दी वो पैसा स्वीकृत हो जाए और हम इसका आगे का प्रोटेक्शन वर्क कर लें। फिलहाल DM साहब तो जांच की बात कह दे रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं बताई कि पिछले साल जो पुल में धसान हुआ तब की जांच का क्या कुछ रिजल्ट रहा। फिलहाल मानसून की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, UP तक।